नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच किसान को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। उत्तर बंगाल के 3 विधायकों ने छोड़ी केंद्रीय सुरक्षा, राजनीतिक सरगर्मी तेज। सिलीगुड़ी के विधायक समेत उत्तर बंगाल के 3 भाजपा विधायकों ने केंद्रीय सुरक्षा छोड़ दी है। इससे पहले भी भाजपा कर्मियों पर अत्याचार के विरोध में सांसद लॉकेट चैटर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने कई विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली। गौरतलब है कि चुनाव से पहले सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वे केंद्रीय सुरक्षा गार्ड नहीं लेंगे, इस कारण उन्हें स्कूटी से घूमना ज्यादा पसंद है। इधर माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन तथा डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायिका शिखा चैटर्जी ने भी सुरक्षा वापस किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया सुरक्षा कर्मियों के साथ गाँव में जाने पर लोग डर जाते हैं, इससे उन्हें आम लोगों से मिलने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोग कुछ बोलने से डरते हैं, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा को त्याग दिया। देखुन सिक्योरिटी नहीं क्या है बोलूँ तो एक नम्बर हे मानुष भोट दिए तर सुख दुख समय थार मैं तरा आस्था रेखे तर आस्था नहीं विधानसभा गेसि हमार निरापत्ता क्योंकि मानुष एक नम्बर। द्वितीय नम्बर हे भारतीय जनता पार्टी जरा करी कर्मी को निरापत्ता नहीं जख तक मिथ्या केसे जेले ढोका जख तक जैके ताके मेरे धरे टांगिए दीचे अपना देखें सीतायर घटना देखें एर आगे देखे गत पंचायत इलेक्शन जे सन्त्रास सृष्टि होने भारतीय जनता पार्टी कर्मी को निरापत्ता नहीं से जगह मन करी मत एक विधायक निरापत्ता ने उचित ही ना আমি সেই কারণে নিরাপত্তা নিয়ে নিই এবং পরবর্তীতে যদি মনে হয় কোথাও দরকার হবে তখন চেষ্টা করব, এখন না 100 বার। আর দেখুন একটা গরিব মানুষ একটা বুড়ো মানুষ তার কাছে যখন যাব সে তার আবেগ ভরে কথা বলবে আমার সঙ্গে, আমার পেছনে যদি নিরাপত্তা রক্ষী দাঁড়িয়ে থাকে সে কিন্তু সেইভাবে কথা বলতে পারবে না, ওই জায়গাটা আমি হারাতে চাই না। ওনারা বারবার বলছেন নিরাপত্তা নিয়ে, ওনারা বারবার বলছেন ওনাদের ডিউটি ওনারা করছেন, কিন্তু আমরা তো দেখুন মানবিকতার ব্যাপার, আমার কর্মীদেরকে যদি নিরাপত্তা না দিতে পারি এখানে তো আমার নিরাপত্তা নেওয়া উচিত না। প্রথমত কতগুলো নির্দিষ্ট কারণ আছে, এক আমার জেলার বর্তমান পরিস্থিতি, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমার ব্যক্তিগত জীবন। প্রথম কথা, আমি ব্যক্তিগত জীবনে স্কুলে সাইকেল নিয়ে যেতাম, পরবর্তীকালে ইউনিভার্সিটি এই সমস্ত পার করার পরে আমরা স্কুটি নিয়ে ঘোরা শুরু করি এবং এই সময় আমি যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করি এই সাইকেল স্কুটি এগুলো নিয়েই ঘোরাফেরা করেছি এবং এইভাবেই আমার মানুষের সাথে যোগাযোগ। এবং আমার জেলাটা ছোটো, ফলে দার্জিলিং আমার এখান থেকে কত 80-82 কিলোমিটার, খড়িবাড়ি 42-43 কিলোমিটার, ফলে এই সার্কেলে আমাদের ঘুরতে কোনো অসুবিধা হয় না। এবং এর থেকে সব থেকে বড়ো বিষয় হচ্ছে যে আপনি সাইকেল স্কুটি এই সমস্ত চললে সব থেকে বড়ো সুবিধা হচ্ছে মানুষের সাথে কথা বলা যায়, মানুষ আমাকে দেখে ডাকতে পারে, আমিও মানুষকে দেখে ডাকতে পারি এবং একটা আই টু আই কন্ট্যাক্ট থাকে, মানুষও আপনার সম্পর্কে যা ধারণা সেটা তার দরকার হলে তারা ডাকতে পারে, ফলে এইভাবে আমার ভালো লাগে, আমি অভ্যস্ত এই জীবনে, ফলে সেই অভ্যস্ত জীবনে আমি এখন পর্যন্ত টিল ডেট কখনো আমি তার ছন্দপতন ঘটাইনি। আমি কাউন্সিলর হয়েছি, MIC হয়েছি, বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মেম্বার হয়েছি, তখনও কিন্তু আমি ওই স্কুটি নিয়েই বেশি ঘুরে বেড়াতাম, ফলে এতে আমার সাথে মানুষের যোগাযোগটা অনেক বেশি আন্তরিক হৃদয়, ফলে সেটা বিধায়ক হওয়ার পরে আমি আর পাল্টাতে চাইনি। আর এই মুহূর্তে পাল্টানোর প্রশ্নে আমার মধ্যে অনেক দ্বিধা কাজ করছে, দ্বন্দ্ব কাজ করছে। सिलीगुड़ी में मरीजों के लिए खुला फील्ड अस्पताल, मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज। कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए स्वयंसेवी संस्था की पहल पर सिलीगुड़ी में फील्ड अस्पताल की शुरुआत की गई है।
शहर के 3 बत्ती मोड़ के पास स्थित एक भवन को फील्ड अस्पताल में तब्दील किया गया है। सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल में कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही भोजन का खर्च स्वयंसेवी संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। उद्घाटन के बाद गौतम देव ने कहा, कुल 20 बेड में 12 पुरुष व 8 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यहाँ चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे। सिलीगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन समेत अन्य स्वयंसेवी संस्थानों की ओर से यह पहल की गई है। मारवाड़ी युवा मंच कोरोना मरीजों को भोजन उपलब्ध करेगा। साथ ही उन्होंने कहा, यदि किसी मरीज की हालत बिगड़ती है तो उसे तत्काल सिलीगुड़ी जिला अस्पताल व नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा, सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड में और 40 वार्ड बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही गौतम देव ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए निजी संस्थानों के आगे आने की पहल की सराहना की है। कोविड केयर सेंटर जो आज उद्घाटन होने जा रहा है, इसमें 20 ऐसे बेड्स हैं। हर बेड के साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा और इसके साथ साथ ही 24 घंटे के लिए डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय, ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विस हम दे पाएंगे। इसके साथ साथ जो मरीजें यहाँ भर्ती होंगे उनके लिए एकदम बगैर कोई पैसा के वहाँ का जो खाना मिलना है, वो खाना भी हमारी संगठन, दूसरा संगठन है मारवाड़ी युवा मंच, वो हमारे साथ में आए हैं, वो यहाँ खाना बनेगा और गर्मा गर्म खाना। एटा डीके मोटर्स छिलो ओरा गोब प्लाजा ओदेर एकटा सेंटर छिलो सेटाके ओरा फॉर दी टाइम बीइंग एखाने जे अपग्रेडेड सेफ होम होयेछे 20 बेडेर 12 मेल 8 फिमेल बेड কোভিড আক্রান্তদের পেশেন্টদের ট্রিটমেন্টের জন্য, তার জন্য ওরা এটা ব্যবহার করতে দিয়েছে। লিভার ফাউন্ডেশন কলকাতা, শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, তারা মিলে এই এই কাজটা করছে। সাথে আইসিসি বণিক সভা, তারা সাথে আছে। মারোয়ারি যুব মঞ্চ খাবার দায়িত্ব নিয়েছেন এদের, আর বিসিডিএ ওষুধগুলো দেবেন। বেডগুলোর সাথে অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে, পর্যাপ্ত অক্সিজেন মজুতও আছে এখানে, টয়লেট আছে, খাবার ব্যবস্থা আছে, ইনহাউস ডাক্তার সিস্টার তারাও থাকবেন এবং এখানে পরিষেবাটা ভালোভাবে দেওয়া যাবে। গতকাল 25 বেডের আরেকটা অমিত আগরওয়াল ফাউন্ডেশনও আপগ্রেডেড সেফ হোম তৈরি হয়েছে। দুটো মিলে প্রায় 50-এর মতো কাছাকাছি 45 বেড হলো। আমরা আগামীকাল থেকে একটা অক্সিজেন পার্লার কর্পোরেশন চালু করছে, সেখানে আমরা 30 অক্সিজেনের সিলিন্ডার আর আমরা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার রোটারি আমাদের 5 দিয়েছে, আমার কাছে একটি ছিল, ওটা আমি দিয়েছি, এবং রামকৃষ্ণ মিশন দিল্লি তারা 5 বড় অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার পাঠাচ্ছে, মিনিটে 10 অক্সিজেন তৈরি হবে। সেটা মিলে আমরা এই কাজটা প্রায় 40-50 অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার আর অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আমরা কাজটা শুরু করছি। এবং অজিত আগরওয়াল আরেকজন শিল্পপতি, তিনি তার ছেলের নামে আমাদের 50 ডি টাইপ অক্সিজেন সিলিন্ডার উনি পুনেতে অর্ডার করেছেন, সেটা আসছে দুটো, সেটাও আমরা পেয়ে যাব। আর দিল্লি থেকে কনসেন্ট্রেটারটা ওরা 2 আগে DTDC পাঠিয়েছে। প্রাইভেট নার্সিং হোম মে করোনা যাঁচ বন্ধ কিয়ে জানে পর বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ নে উঠায়া সওয়াল। সিলিগুড়ি কে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারো কে নির্দেশো কি অবহেলনা কর সিলিগুড়ি মে প্রাইভেট নার্সিং হোম মে করোনা যাঁচ বন্ধ করনে কা আরোপ লাগায়া। সোমবার কো পার্টি কার্যালয় মে আয়োজিত संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, दार्जिलिंग जिले में जिस तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम में कोरोना जांच बंद किया गया है, यह अनुचित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना जांच की रिपोर्ट आने में 3-4 का वक्त लगता है, इस दौरान मरीजों को कहां रखा जा रहा है, इस बारे में एक पारदर्शी
नियम बनाकर उसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुदूरवर्ती इलाके में कोरोना रैपिड टेस्ट जारी रहने की जानकारी देते हुए सिलीगुड़ी शहर में इसे बंद करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इससे लोग दर्ग भ्रमित हो रहे हैं, इसका निदान निकाला जाना चाहिए। গতকাল আমি লক্ষ্য করলাম যে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে শিলিগুড়িতে যে অরাজকতা চলছে তার আরেকটা নতুন সংযোজন আমি দেখতে পেলাম। আমি বিশেষত স্বাস্থ্য দপ্তর সিএমওএইচ সাহেব এবং আমাদের শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক মণ্ডলীর সম্মানীয় চেয়ারম্যান শ্রী গৌতম দেব মহাশয়ের আরেকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেহেতু তাদের নামেই এই বিবৃতিটি আমি সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি। আমি দেখলাম যে 29 তারিখে একটি অর্ডার চিফ মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ দার্জিলিংয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নার্সিংহোম 27টি নার্সিংহোমকে পাঠানো হয় যে প্রাইভেট নার্সিংহোমে কোভিড র্যাপিড টেস্ট এটা তারা করতে পারবে না, স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড, এটা বলে একটা অর্ডার করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত এই নিয়ে ইতিমধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক দানা বেঁধেছে, যে বিতর্ক আমার মনে হয়েছে নিরসন হওয়া প্রয়োজন এবং সেই নিরসন করবার প্রশ্নেই আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত, একটি অর্ডার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে বলা আছে এই অর্ডারের মধ্যে যে যে কোনো ধরনের সাসপেক্টেড পেশেন্ট তাদেরকে যদি প্রথমে র্যাপ টেস্ট করবার মধ্যে দিয়ে তাদের অ্যাডমিশন ইত্যাদি করা হবে এবং সেই অনুযায়ী একটি অর্ডার গত 10/5/2021 ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। তারপরেও ফার্দার একটি অর্ডার আমি দেখতে পাচ্ছি ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসের পক্ষ থেকে করা হয়েছে 11 তারিখে। অর্থাৎ পরপর দুটো অর্ডার, যে অর্ডারের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি যখন তিনি হসপিটালে চিকিৎসার জন্য যান তার প্রাথমিকভাবে তৎক্ষণাৎ র্যাপ টেস্ট করবার মধ্যে দিয়ে তিনি কোভিড পজিটিভ না নেগেটিভ বা সাসপেক্টেড এই সমস্ত ডিটেকশন করবার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করে হচ্ছে র্যাপ। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में 44 से अधिक उम्र के लोगों को दी जा रही है वैक्सीन, भारी भीड़ से अफरा तफरी का माहौल। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में सोमवार को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी गई। इधर कोरोना वैक्सीन लेने आए लोगों ने जिला अस्पताल में काफी परेशानियों का सामना करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में 44 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। सोमवार को सुबह से ही यह वैक्सीन लेने आए लोगों की भीड़ देखी गई। दूसरी ओर वैक्सीन के लिए कतार में खड़े लोगों ने आरोप लगाया कि सुबह से शांतिपूर्वक वैक्सीन देने का काम चल रहा था, दिन बढ़ने के साथ ही अधिक संख्या में लोग यहां जुटने लगे जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। 47 নম্বর কুপন হোল্ডার, আমি চাইছি প্রত্যেকে নাম্বার অনুযায়ী, প্রথমে বললে 1 থেকে 10, 11 থেকে 20 এরকম হোক, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পিছনের লোক সামনে ঝুঁকে যাচ্ছে নাম্বার অনুযায়ী, পিছনের সিরিয়াল নাম্বার। এই ইনডিসিপ্লিন কেন, এটা তো আমাদেরও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, এই জিনিসটা মেনটেন করা তো আমাদেরও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। 3:30 থেকে দাঁড়িয়ে আছি, 4-5 দিন, 6 দিন ধরে ঘুরে যাচ্ছি। আমি তো এখানে আসছি মোটামুটি প্রায় 4:15 আসছি। আমি ভোর আমি না, আমার শাশুড়ি হয়েছে বয়স্ক ভদ্র মহিলা, তুমি তো লাইনে দাঁড়াতে পারে না, ওনাকে তার করে রাখছি, আমি লাইনে থাকি, তারপরে করে গণ্ডগোল, লাইনে না হলে তো মুশকিল, আগে পিছিয়ে নিয়ে আমি আগে যাবো, ও পিছিয়ে যাবো, এই নিয়ে গণ্ডগোলটা হচ্ছে। कार्टून के गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 नंबर वार्ड में चंपासरी मोड़ के पास काली मंदिर के निकट एक कार्टून गोदाम में अचानक आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अचानक गोदाम में आग लगते देख दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई।
आगलगी में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कामिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्व के पहिलो कीटनाशक औषधि जिसको एक स्प्रे ले वैक्सीन सर काम गर्छ र फसल में लगने विभिन्न भाइरस बैक्टीरिया र फंगस बाट होने समस्त रोगहरु साथै पातको रस चुस्ने क्रियाहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, शुरू करते हैं खबरें। अलीपुरद्वार में शराब की होम डिलीवरी शुरू, देने होंगे अधिक पैसे। अलीपुरद्वार जिले में फालाकट्टा में सरकारी नियमानुसार शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है सोमवार से। फालाकट्टा के विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी शराब के दुकानों के सामने पोस्टर टांग दिए गए, जिसमें कहा गया है कि फोन करके शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। होम डिलीवरी के लिए ग्राहकों को कुछ अतिरिक्त पैसे चुकाने पड़ेंगे। ऑर्डर আসছে, होम डिलीवरी सिस्टम चालू হইছে, আমরা হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। 3 কিলোমিটার মধ্যে আমরা হোম ডেলিভারি করতে। কাজ আমাদের তেল খরচরা যে যেরকম দেয়। ফিক্সড আমার কিছু নাই, আমরা তো 10% বলে দিতে লোককে যে যেরকম দেয়। ডিসটেন্সের উপরে নির্ভর করে। এখন তোমার যদি 5 কিলোমিটার যায় তখন তো নিশ্চয়ই তেল খরচ তোমার বিবেকে বাঁধবে। তখন তুমি যা যাও।
এটা সকাল 9টা থেকে 12টা পর্যন্ত আমরা ডিলে একটা অর্ডার নিচ্ছি আমরা। अभिभावक इन बच्चों की मदद करेगा सिलीगुड़ी नगर निगम। सिलीगुड़ी नगर निगम के 36 नंबर वार्ड स्थित सेंट्रल शांतिनगर निवासी नंद दुलाल रॉय का जटिल बीमारी की वजह से हाल ही में निधन हो गया। इसके कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी कविता रॉय कोविड की शिकार हो गई। उनके तीन बच्चे अनाथ की स्थिति में इधर उधर भटक रहे हैं। दूसरी ओर सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक गौतम देव ने सोमवार को इन बच्चों से मुलाकात की। दिवंगत दंपत्ति की सबसे बड़ी बेटी नंदिता 12वीं, सबसे छोटी बेटी 8वीं और बेटा 8वीं कक्षा में पढ़ता है। गौतम देव ने इन बच्चों की पढ़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से इन बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 2000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा इन बच्चों की परवरिश को लेकर अन्य सहायता की जाएगी। যমজ টুইন যে দুজন তার মধ্যে ওই ছোটো মেয়েটি এইটে পরে ওর দিদার কাছে থাকে ওই বেরুবাড়িতে, তো ওটা দিদারাই দেখাশোনা করে। এখান এই বাড়ি থেকে দেখাশোনা হতো না যেহেতু ওর বাবা পাচ্ছিল না তিনটে বাচ্চাকে মানুষ করতে। বাকি দুজন এখানে একটা 12 পড়ছে মেয়েটি বড়োটা, এই টুইন ওই ছেলেটিও এইটেই পড়ে। ওদের কম্পিউটার সব টিচার মিলে 3000 টাকার মতো মাসে খরচ আছে, সেটা আমি কর্পোরেশন থেকে কিছু দিচ্ছি। এই চেয়ারম্যান রিলিফ ফান্ড একটা তৈরি করেছি আর ব্যক্তিগতভাবে দেবো আমি 1000 টাকা প্রত্যেক মাসে ওর অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিচ্ছি। আর এছাড়াও ওদের আরও খরচ লাগবে, 29,000 টাকার মতো পেয়েছে এরা, কিছু লোকজন দিয়েছে, সেটা চেকগুলো ব্যাংকে জমা দিয়েছে, ক্যাশ টাকাটা আছে ওদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। আমি 5,000 টাকা আজকে দিয়ে দিচ্ছি জমা আমার ব্যক্তিগতভাবে, সেই টাকাটা ওর ওখানে ঢুকে যাবে। আরও তো 2,000-2,500 টাকা লাগবে ওদের মাসে খরচ, টাকা একটা টোটো চালায় পারবে না বলছে চালাতে বেশি। দেখছি আমাদের বন্ধু বান্ধবদের বলে একটা অনেক অনেক লম্বা যেতে হবে। তো दुष्कर्म के आरोप में ज्योतिषी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत बागडोगरा थाने की पुलिस ने एक युवती से दुष्कर्म के आरोप में एक ज्योतिषी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान उत्तर दिनाजपुर जिले के रहने वाले रहमत अली उर्फ मोहम्मद हासिम के रूप में की गई है। वे पेशे से ज्योतिषी है। आरोपी रहमत अली ने लड़की को नौकरी समेत विभिन्न समस्याओं का समाधान बताया। ज्योतिषी ने बदले में मोटी रकम की भी मांग की। ज्योतिषी ने लड़की को उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा इलाके में अपने घर में बुलाया। लड़की के अनुसार रहमत अली ने 18 से 26 अप्रैल के बीच नींद की गोलियां खाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, उसने कहा कि, और इस बीच आरोपी ने आरोप लगाया कि उसने उसकी सोने की चेन, अंगूठियां और बालियां भी चुरा ली। घर लौटने के बाद लड़की ने घर वालों को घटना की पूरी जानकारी दी। 9 मई को लड़की के परिजनों ने बागडोगरा थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी को आज यानी सोमवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत प्रधाननगर थाने की पुलिस ने लाखों रुपयों के ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम मोहम्मद साहिल शेख बताया जा रहा है। वह प्रधाननगर थाना क्षेत्र के नर्मदा बगान इलाके का रहने वाला है। सोमवार को उसे सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर चंपासरी मोड़ इलाके से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास करीब 250 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 2,50,000 रुपये आंके गए हैं। लॉकडाउन में भी हो रही है लकड़ी की तस्करी। साल एवं सागवन की लकड़ी लदा वाहन जब्त। लॉकडाउन के बीच भी कीमती लकड़ियों की तस्करी लगातार जारी है। जलपाईगुड़ी डिवीजन के दलगांव रेंज के वन कर्मियों ने रविवार रात छापेमारी कर एक महिंद्रा मैक्सिमो वाहन के साथ लगभग 90,000 रुपये मूल्य की अवैध साल एवं सागवन की लकड़ी जब्त की। वन विभाग के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर दलगांव रेंज के वन कर्मियों ने अलीपुरद्वार के शिशुबाड़ी सरुगांव इलाके से साल और सागवन की लकड़ी लदा एक महिंद्रा मैक्सिमो जब्त किया। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार मैक्सिमो वैन सहित साल और सागवन की लकड़ी जब्त कर ली गई।
बरामद लकड़ी का बाजार मूल्य लगभग 90,000 रुपए आंके गए हैं। हालांकि इस अभियान में किसी की तस्कर को पकड़ा नहीं जा सका है। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।